पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आश का ग्रेंजा इलेक्टिवायर को डिफीट करके पॉल को हरा देता है बैटल में, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो दो दिन रहकर फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करेगा और लास्ट में एश के पास आ जाएगा पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप बैटल के लिए। पर वो वापस नहीं आता है। एश, ब्रॉक, मिस्टी और सईना सब उसको फॉरेस्ट में ढूंढने चले जाते हैं, जहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि ग्रेंजा काफी ज्यादा वीक हो चुका है। फिर वो उसको पोकेमॉन सेंटर में लेके जाते हैं। अब आगे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टॉप 8 स्टार्ट होने में अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे थे और एश अभी तक स्टेडियम में नहीं पहुंचा था। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो उसकी बैटल मिस हो सकती है, जिससे वो पूरे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा। एश का ग्रेंजा हील हो जाता है और एश अपने चार्जार्ड पर बैठकर स्टेडियम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। बट अब टाइम जा चुका था, टॉप 8 स्टार्ट हो गया था और एश अभी तक नहीं पहुंच पाया था। एश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बट अभी भी वो होप नहीं खोता है। वो स्टेडियम की तरफ बढ़ते रहता है, जबकि उसको पता था कि टॉप 8 स्टार्ट हो चुका है। फाइनली वो स्टेडियम में आता है और एंटर करता है। उसको देखने को मिलता है कि एक बैटल ऑलरेडी चल रही है। एश काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि एश की बैटल जा चुकी है और उसके अपोनेंट को विनर डिक्लेयर कर दिया होगा। वो काफी ज्यादा लेट हो गया था। पर तभी वहां पर ब्रॉक आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने पोकेमॉन मास्टर कमेटी मेंबर से बात की है और वो लोग बता रहे हैं कि ये सेकंड बैटल है, वहीं पर तुम्हारी बैटल थर्ड है, यानी कि इसके बाद होगी। तुम लेट नहीं हुए हो, अभी भी तुम्हारी बैटल होना बाकी है। ये सुनकर एश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बैटल देखने जा ही रहा होता है, तभी उसको गार्ड्स रोक लेते हैं और बोलते हैं कि आगे की बैटल सब चैलेंजर देख नहीं सकते। ये बैटल सब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑडियंस ही देख सकती है, क्योंकि अगर कोई एक चैलेंजर इस बैटल को देखता है और अगर उसी चैलेंजर की बैटल आगे जाके उस ट्रेनर से होती है जो कि बैटल कर रहा था, तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि वो ट्रेनर के पास कौन से पोकेमॉन है, वो कौन से अटैक यूज करते हैं और उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है। ब्रॉक बोलता है कि यह सही बात है। गार्ड बोलता है कि तुम्हें कुछ टाइम तक रुकना होगा और जब तुम्हारी बैटल होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, जिसके लिए बाहर एश पोकेमॉन सेंटर में वेट करता है। कुछ टाइम बाद गार्ड वहां पर आता है और बोलता है कि सेकंड बैटल एंड हो चुकी है, अब तुम्हारी बैटल स्टार्ट होने वाली है, रेडी रहो अपने पोकेमॉन्स को चूज करके। एश अपने 6 पोकेमॉन्स को चूज कर लेता है और बैटल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। वो स्टेडियम में एंटर करता है और इस बार उसका अपोनेंट पहले से ही बैटल फील्ड में खड़ा हुआ था। वो अपोनेंट को एश जानता नहीं था, यानी कि वो सबसे पहले अननोन ट्रेनर था जो कि एश के सामने आया था। दोनों ही हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देंगे। रेफरी बोलता है कि ये बैटल 6-on-6 होने वाली है, जहां पर दोनों ट्रेनर्स मैक्सिमम 3 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं और इस बैटल में मैक्सिमम एक ट्रेनर 3 फेनोमेना का यूज कर सकता है। उससे ज्यादा फेनोमेना का यूज करना अलाउड नहीं है और वो कौन से भी फेनोमेना हो सकते हैं। एक फेनोमेना दोबारा रिपीट भी हो सकता है। अब बैटल को स्टार्ट करा जाए। अब एश अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह ही भेज देता है शाइनी म्यूटू को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। अपोनेंट बोलता है कि नाइस, एक शाइनी म्यूटू, बाय द वे मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? एश बोलता है कि मेरा नाम एश कचम है, तुम्हारा नाम क्या है? वो ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम माइक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एश बोलता है मुझे भी, और अब बैटल को कंटिन्यू करते हैं। माइक अपना फर्स्ट पोकेबॉल निकालता है और ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से निकलती है चैंपियन, जिसको देखकर एश काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि मैंने अभी रिसेंटली पॉल से बैटल करी थी, जिसने चैंपियन का यूज किया था, और यहाँ पर तुम्हारे पास भी एक चैंपियन है। माइक बोलता है कि अच्छा पॉल, मैंने उसको जिम बैटल में काफी ज्यादा इजीली हरा दिया था, मुझे वो याद है, मुझे उससे कंपेयर मत करो। बैटल स्टार्ट होती है और सबसे पहले चैंपियन यूज करती है कराटे चॉप अटैक का, जिसको मेगा म्यूटू एक्स बैरियर का यूज करके रोक देता है और यूज करता है साइको कट अटैक का, जो कि चैंपियन पर लग जाता है, बट इससे चैंपियन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद मेगा म्यूटू एक्स यूज करता है शैडो बॉल का, जिसको चैंपियन डॉज कर लेती है, और यूज करती है लो किक अटैक का। पर जैसे ही चैंपियन म्यूटू के पास आती है, म्यूटू उसके पैर को पकड़ लेता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा स्फीयर का यूज करता है, जिससे चैंपियन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, वो जमीन पर गिर जाती है। अभी तक के लिए म्यूटू चैंपियन को डोमिनेट कर रहा था, अब चैंपियन यूज करती है साइज्मिक टॉस अटैक का, जिससे वो म्यूटू को जमीन पर पटक देती है, और यूज करती है रोलिंग किक अटैक का, जो कि म्यूटू पर लग जाता है, जिससे म्यूटू को भी डैमेज पड़ जाता है। अब एश अपने मेगा म्यूटू एक्स को एक काफी स्ट्रॉन्ग साइज स्ट्राइक अटैक यूज करने बोलता है, जो कि उसका सिग्नेचर अटैक था। म्यूटू साइज स्ट्राइक का यूज कर देता है, पर तभी चैंपियन यूज करती है काउंटर अटैक का, जिससे साइज स्ट्राइक रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो म्यूटू के ऊपर लगने वाली होती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। म्यूटू भी इसके लिए रेडी नहीं था, जिसके चलते ये अटैक म्यूटू पर लग जाता है और म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये काफी ज्यादा अच्छा मूव था माइक और उसके चैंपियन के तरफ से, उनकी स्ट्रेटेजीज काफी ज्यादा अच्छी थी। अनाउंसर बोलता है कि चैंपियन की पावर मेगा म्यूटू एक्स से कहीं ज्यादा कम है, बट फिर भी अपने स्ट्रेटेजी का यूज करके वो म्यूटू को काउंटर कर रही है। अब म्यूटू दोबारा से ऑरा स्फीयर का यूज करता है, जिसको चैंपियन डॉज करके यूज करती है सर्कल थ्रो का। यह म्यूटू पर लग जाता है और अचानक से मेगा शाइनी म्यूटू एक्स पोकेबॉल के अंदर वापस चले जाता है और एश का चार्जार्ड पोकेबॉल से बाहर आ जाता है। चार्जार्ड काफी कंफ्यूज होता है कि वो अचानक से कहां निकल गया।
वो किस बैटल में आ गया है, जबकि ऐश ने उसको चूज भी नहीं किया था। ऐश भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अनाउंसर बोलता है कि सर्कल थ्रो एक ऐसा अटैक है जिससे जो पोकेमॉन बैटल कर रहा है अपोनेंट का, वो पोकेबॉल में वापस चले जाता है और उसके बदले अपोनेंट टीम से कोई एक रैंडम पोकेमॉन बैटल में आ जाता है अचानक से। इस मूव को स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज किया जाता है। इस चीज को सुनकर ब्रॉक बोलता है कि मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि माइक स्ट्रैटेजी बनाने में काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें संभल कर बैटल करना होगा। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने चार्जार्ड से ही बैटल को कंटिन्यू करूंगा। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जिसको चैंपियन डॉज कर लेती है। तभी चार्जार्ड यूज करता है विंग अटैक का, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जिसके चलते चैंपियन उसको डॉज नहीं कर पाती और ये सुपर इफेक्टिव अटैक था जिससे चैंपियन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद चार्जार्ड यूज करता है फायर ब्लास्ट का, जो कि चैंपियन पर लगने के बाद चैंपियन काफी ज्यादा वीक हो जाती है। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, ड्रैगन टेल अटैक का यूज करो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसा ही करता है और फाइनली चैंपियन हार जाती है। अनाउंसर बोलता है कि माइक की स्ट्रैटेजी उसी के ऊपर भारी पड़ गई है। चार्जार्ड बाहर आकर चैंपियन को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है और उसको डिफीट भी कर दिया है। माइक अपने चैंपियन को वापस लेता है पोकीबॉल में और बोलता है तुमने काफी अच्छी बैटल करी, अब पोकीबॉल के अंदर रेस्ट करो। माइक अपना सेकंड पोकीबॉल निकालता है और बोलता है आर मैसिव जाओ। जैसे आर मैसिव बाहर निकलता है, सारी ऑडियंस उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। वो देखने में काफी स्ट्रांग और यूनिक पोकेमॉन लग रहा था, जिसको ऐश, मिस्ट्री, ब्रॉक और सेइना किसी ने भी इसके पहले नहीं देखा था। ब्रॉक बोलता है कि शायद से एक नॉर्डन पोकेमॉन है, जिसके चलते हमारे पास इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम्हें संभल के बैटल करनी होगी। ऐश बोलता है ठीक है। मिस्ट्री बोलती है कि माइक ने अभी तक दो नॉर्डन पोकेमॉन्स का यूज कर लिया है, यानी कि वो एक नॉर्डन एजेंट का ट्रेनर है। ऐश सबसे पहली बार एक काफी स्ट्रांग नॉर्डन एजेंट के ट्रेनर से बैटल कर रहा है, देखते हैं कि इस बैटल का रिजल्ट क्या आता है। सेइना बोलती है कि ऐश को टफ बैटल पसंद है, वो डेफिनेटली इस बैटल को जीतकर वापस आएगा। तभी ऐश अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। मेगा चार्जार्ड एक्स में बैटल स्टार्ट होती है और माइक अपने आर मैसिव को एक्वाटेल अटैक यूज करने बोलता है, जिसको चार्जार्ड डॉज करके फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज करता है, जो कि आर मैसिव पर लग जाता है। बट इस अटैक का उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता, जिसके बाद आर मैसिव यूज करता है रेन डांस अटैक का, जिससे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। रॉक बोलता है कि इससे ऐश को काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि रेन डांस अटैक यूज करने के बाद वाटर टाइप अटैक की पावर 50% से बढ़ जाती है, वहीं पर दूसरी तरफ फायर टाइप अटैक की पावर 50% से कम हो जाती है। चार्जार्ड अब उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बट फिर भी ऐश अपने चार्जार्ड के साथ ही बैटल को कंटिन्यू करता है। अब आर मैसिव यूज करता है सर्फ अटैक का, जिससे वो एक काफी ज्यादा बड़ी वेव को क्रिएट करता है और वो मेगा चार्जार्ड एक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। मेगा चार्जार्ड एक्स इसको उड़कर डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये वेव इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मेगा चार्जार्ड एक्स इसको डॉज नहीं कर पाता और इसके ऊपर ये अटैक लग जाता है, जिसका चार्जार्ड पर काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद आर मैसिव यूज करता है ड्रैगन टेल का, जिससे मेगा चार्जार्ड एक्स जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि ये अटैक उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव था।